खबर इंदौर से है, जहां के जीपीओ चौराहे पर स्थित लक्ष्मी पेट्रोल पंप पर सोमवार दोपहर अचानक आग लग गई। यह हादसा पेट्रोल का टैंकर खाली करने के दौरान हुआ। टैंकर आधा खाली हो चुका था। इस बीच जिस पाइप से टैंक में सप्लाई की जा रही थी, उसने अचानक आग पकड़ ली। आग विकराल रूप लेती इससे पहले ही कर्मचारियों ने जान को जोखिम में डालकर उसे बुझा लिया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट लगने के कारण हुई। वहीं आग भड़कने के बाद पेट्रोल के कर्मचारी तुरंत एक्शन में आए और अग्निशमन यंत्रों से उस पर काबू पा लिया। घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड के वाहन भी वहां पहुंच गए। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही कर्मचारी आग पर काबू पा चुके थे। ये पेट्रोल पंप हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित है। वहीं अच्छी बात यह रही कि टैंकर खाली कराने के चलते यहां ग्राहक नहीं थे और इस वजह से कर्मचारियों ने आसानी से आग पर काबू पा लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। आग लगने से किसी भी तरह के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है।